अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार भरवा करेले की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के करेले ले लिए हैं। ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से धो लिया है और मैं यहाँ पर इसे छील रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसके छिलके को स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर छिलके को यूज़ नहीं करूँगी। सभी करेलों को मैं अच्छे से छील लूँगी। सभी करेले हमारे यहाँ पर छिल चुके हैं, छिलके को हम साइड कर देंगे और बारी हैंड में कट्स लगाने की। तो अब हम नाइफ ले लेंगे। नाइफ की हेल्प से हम इनमें हल्का सा कट लगाएंगे, इन्हें बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। जो इनमें बीज दिख रहे हैं, इन्हें हम स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। सभी बीज को हम निकाल कर इस बोल में रखते जाएंगे, ये आगे काम आएंगे। देखिए, इसी तरीके से हम सभी करेलों को साफ कर लेंगे और बीज को इसी में रखते जाएंगे। सभी करेलों को हमने साफ कर लिया है और हमने बीज को भी यहाँ पर रखा है, जिससे कि हम स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं और ले लेते हैं हम यहाँ पर प्याज। 4 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिससे कि हमने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम इसे ऐड कर देंगे उस बीज में जो हमने करेलों से निकाल कर रखा है। अब हम कुछ ड्राई मसाले तैयार कर लेते हैं। 2 छोटे चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 2 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। इन्हें लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधे छोटे चम्मच मेथी दाना, आधे छोटे चम्मच कलौंजी और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ ही रखेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, हमने इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। उसमें डाल रहे हैं 8 से 10 लाल मिर्च और इनका बारीक सा हमने पाउडर तैयार कर लिया है, ये देखिए। इसे भी हम अपने प्याज में ऐड करेंगे जो हमने काट कर रखी हुई है। इसमें हमने 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच भरकर फ्रेश कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, इसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। 2 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड की है और 4 छोटी चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही मस्त रहता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम अपने करेलों को ले लेते हैं और इन्हें भर लेते हैं। ये देखिए, करेलों को ऐसे खोल कर इसमें अच्छे से स्टफिंग को भर देंगे। अच्छे से दबा दबा कर हम स्टफेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। देखिए, अच्छे से दबाते हुए हम सभी करेलों को भर लेंगे। सभी करेलों को हमने भर लिया है और जो हमारी स्टफिंग रह गई है, इसे भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सभी करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब हम ले लेते हैं एक पैन और अपने करेलों को पैन में रख देते हैं। सभी करेलों को हमने पैन में रख दिया है और जो हमारी स्टफिंग बच गई थी, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 4 बड़ी चम्मच और इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे करेलों का कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए, अब हम इसे टर्न कर देंगे। इनमें नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो सभी करेला को हम टर्न कर देंगे। अब हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और बीच में टर्न करते रहेंगे। ये देखिए, 10 मिनट हमने इसे और पका लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे करेले बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग इसे रोटी के साथ खाइए या फिर पराठे के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके ऊपर आधे नींबू का रस डाल देंगे, जिससे कि ये और भी टेस्टी लगता है।
लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।